अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाजिया, मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। और यहाँ मैंने दो लिए हैं, दो बाउलियाँ, उनमें मैंने सेपरेट कर दिया योग और वाइट। और अब मैं इनको बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। शुगर मैंने इनके शुगर डाली और इसे अच्छे तरीके से क्रीमी टेक्सचर में मैंने इनको दोनों को मैंने बीट कर लिया है। पहले वह योग को किया, मैंने वाइट को कर लिया है। तो अभी मैंने लिया है दोनों को, अभी मैं फ्लोर लिया है और इसको मैंने छन्नी की मदद से छान रही हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्ब बाकी ना रहे। अभी मैंने लिया कोको पाउडर और इसको भी आपने छान लेना है। इसके अंदर छोटी छोटी गुटलियाँ होती हैं, तो इन दोनों ये जो हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आपस में मिक्स कर लेना है। अभी मैंने यहाँ लिया है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सॉल्ट। अभी इनको भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने अब इनको मिक्स कर लिया है। अभी मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अभी मैंने इसके अंदर शामिल किया है ऑयल और अभी मैं इसके अंदर एग डाल रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर एग डाल लिया है और मिक्सचर को अच्छे तरीके से मैंने बना लिया है। अभी मैंने पैन लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी जो वो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं रेस्ट के लिए रखूँगी 10 मिनट के लिए। अभी मैंने बेकिंग के लिए रखा था और 30 मिनट के लिए। और ये देखें, अभी ये अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अभी मैं इसकी ओवर जो है ओवर टॉप लेयर जो वो काट लूँगी। मैंने इसकी ओवर टॉप लेयर काट के इसको इक्वल कर लिया है। अभी मैं इसको हाथ की मदद से, जो मैंने ओवर टॉप लेयर काटी थी इसको मैं हाथ की मदद से इसका क्रम्स बनाऊँगी और ये मैं इसकी डेकोरेशन में मैं इसको लगाऊंगी। अभी मैं इसको स्टेनर की मदद से स्टेन कर रही हूँ। अभी मैंने इसको स्टेन कर लिया है, बारीक से क्रम्स जो रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने लिया है यहाँ एक पतीला और इसमें बनाने जा रही हूँ मैं ये ऊपर टॉप पर केक के टॉप पर लगाने के लिए कोको पाउडर का मिक्सचर। मैंने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर, इनको मैंने दोनों को ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी शुगर। अभी मैंने इसको शामिल कर लिया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर चिल मिल्क जो है वो इस्तेमाल करूँगी और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स बाकी ना रहे। अच्छे तरीके से आप इसको हिलाते रहें और मिक्स करते रहें। मेरे पास हैंड बीटर नहीं है तो मैं इसको चम्मच की मदद से हिलाकर बीट कर रही हूँ। अभी मैंने चूल्हा ऑन किया है और इसको मैं पका रही हूँ ताकि ये इसकी मुझे ये थिकनेस में चाहिए। अभी मैं इसके अंदर फॉर ग्लेंजिंग के लिए मैं इसके अंदर बटर शामिल कर दूंगी। अभी मैंने इसके अंदर बटर शामिल कर लिया है और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्सअप करूंगी। अभी ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और इसमें एयर बबल बन जाती हैं। आप इसका ख्याल रखें, जितना आप इसको बीट करेंगे एयर बबल चली जाएंगी। अभी मैं इसको केक को जो मैंने बनाया था उसको डेकोरेट कर रही हूँ इस मिक्सचर के ज़रिए जो मैंने कोको पाउडर से बनाया है। अभी मैं इसको डेकोरेशन कर रही हूँ। वो मैंने जो क्रम्स बनाए थे इसकी टॉप ओवर लेयर से, तो अभी मैं इसको इसके ऊपर लगा रही हूँ और इसको मैं अभी मैं इसके ऊपर ओरियो बिस्किट से मैं इसको मोर डेकोरेट करूँगी। अभी ये मैंने लिया है ओरियो बिस्किट। ये जो है मैं आज स्पेशल ओकेजन है, मेरे बेटे की बर्थडे है, मैंने उसके लिए स्पेशल होममेड बनाया है। ये मैं इसके ऊपर ओरियो बिस्किट जो है वो लगा रही हूँ। अब
अभी मैं नाइफ की मदद से थोड़ा सा कट लगा के, डीपली कट लगा के इसको अंदर फिक्स करने की कोशिश की है। अभी मैं इनको साइड से डेकोरेट कर रही हूँ ओरियो के साथ। मैंने ओरियो के दो बिस्किट को सेपरेट करके इसके साइड से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। मैंने ये चॉकलेट इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों को मोस्टली चॉकलेट पसंद होती है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।